नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण एक बार फिर से आप सभी का कंप्यूटर प्रैक्टिकल लैब में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एम्प्लॉयज़ बर्थडे नोटिफिकेशन फंक्शन फॉर्मूला इन एक्सेल किस तरीके से काम करता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरी एक्सेल सीट और मैं आज यहाँ पर ऑफिस एम्प्लॉयज़ बर्थडे नोटिफिकेशन निकालने वाला हूँ फॉर्मूले के द्वारा। और सब ये मैंने डेट ऑफ बर्थ, सीरियल नंबर, नेम सब डाला हुआ है। यहाँ पर देखिए, मेरे जो नाम है इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, इसे मुझे कैपिटल करना है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, और ये ऊपर जो है सेलेक्ट कर लूँगा फर्स्ट वाला नेम और इसे ब्रैकेट बंद कर दूँगा, एंटर कर दूँगा। तो देखिए, मेरा नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया है और इसे नीचे ड्रैग करके कंट्रोल डी कर देंगे तो ये सारे जो हैं कैप हो जाएंगे। अब यहाँ से इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करना है। और पेस्ट स्पेशल करके यहाँ पे देखिए एक वैल्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसको चेक करना है और ओके कर देना है, तो ये यहाँ आ जाएगा। और इस वाले को आप चाहे डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए हम डेट मंथ ईयर फॉर्मेट आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अगर इन तीन तरीक़ों से आपका फॉर्मेट है तो उसे चेंज कर लें। आपको ये चेंज कहाँ करना है, अपने पीसी में यहाँ पे देखिए बॉटम राइट कॉर्नर पे आता है टाइम और आपका डेट, यहाँ से चेंज कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ में सबकी डेट ऑफ बर्थ लिख दे रहा हूँ, 15/12/1995, फटाफट लिख लेते हैं, 16/2/1997, 26/11/1989, 27/5/1998, 3/6/1995, और ये अंत में जो बचा है 13/6/1996। ठीक है, तो इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ हमने सबकी लिख ली है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या लगाना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से मैं बीच में से कर्सर हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो मैं टाइप कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको टाइप करना है, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन डे, ब्रैकेट फिर से ओपन करना है और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखानी है, इसको ब्रैकेट बंद करना है और फिर एंड का साइन लगाना है, मंथ लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर से यही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ब्रैकेट बंद करना है, इक्वल डे ब्रैकेट ओपन टुडे लिखना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, फिर क्लोज करना है, फिर एंड लिखना है, फिर मंथ और मंथ के बाद फिर ब्रैकेट ओपन टुडे, ऑन ऑफ ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर क्लोज कोमा इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखना है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ओपन करना है, बंद करना है, एंड लगाना है। और इसके बाद यहाँ पे हमें नेम वाला वो देना है, नेम हमारा कौन से सेल में है, B5 में है, तो हमने वो दे दिया और कोमा लगा दिया है, फिर इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे नो स्टेटस, ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट बंद, देन एंटर। देखिए नो स्टेटस लिखा आ रहा है, ये आज की डेट में इससे मैच नहीं करता, तो कोई स्टेटस में नहीं है ये। इसको पूरा ड्रैग कर लेंगे नीचे की तरफ, तो देखिए अभी किसी का भी स्टेटस नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई डेट चेंज कर देता हूँ, आज की डेट में डाल देता हूँ, तो देखिए ये क्या बताने वाला है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आज 2/7 महीना है, ये यहाँ पे लिखेंगे हम 07 और यहाँ पे 2020 और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया हैप्पी बर्थडे अमन, अमन 5 नंबर पे है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, 5 नंबर पे अमन और 2/7/2020 हैप्पी बर्थडे अमन। यहाँ पे देखिए आप नाम के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, बर्थडे जो है इसके साथ जो जुड़ गया है, इसको स्पेस करने के लिए हमें करना क्या है, इस पर सेलेक्ट करने से अच्छा है आप इस सारे को सेलेक्ट कर लीजिए और अपने फॉर्मूला बार में जाइए। और फॉर्मूला बार में जाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, इस जगह में कर्सर रखना है और यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमा लगाना है सबसे पहले, फिर स्पेस देना है और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, फिर एंड का साइन, देन एंटर। एंटर जब हम कर लेंगे तो देखिए अपडेट हो चुका है। अब नीचे की तरफ इसको सारे को ड्रैग कर देंगे तो देखिए यहाँ पे अमन के बीच में अब स्पेस आ गया है, बर्थडे और अमन के बीच में स्पेस आ गया है। तो
तो इस तरीके से स्टेटस तैयार होता है आपके बर्थडे नोटिफिकेशन का, ऑफिस वालों के पास या बैंक में सबके पास। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कलर वलर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से सजा देते हैं। तो दोस्तों ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।